Hello, good evening everybody. This is Khushi from Lexis & Company. Today in this video we will discuss about the citizenship and the commencement of the constitution. तो अगर हम commencement की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, आर्टिकल 5 कहता क्या है. सो एट द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो बेसिकली टॉक्स अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ इंडियन. ठीक है, हमें ये चीज़ क्लियर हो गई. जब सिटीजनशिप की बात करें तो हमें ये भी तो बताएगा ना कि कौन इंसान सिटीजन होगा इंडिया का. तो इसमें बताता है कि हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो जो इंडिया में बॉर्न हुआ हो, ईदर ऑफ हुज पेरेंट वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो उसके कोई भी पेरेंट, ईदर पेरेंट कोई भी इंडिया में उनका बॉर्न हुआ हो. हु वॉज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनके या फिर जो पर्सन है वो 5 साल से कम ना रहा हो इंडिया में, इमिडिएटली प्रिसीडिंग सच कमेंसमेंट, यानी कि जैसे ही आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद वो 5 साल इंडिया में रहना चाहिए, या फिर उससे पहले 5 साल का इंडिया में रहना चाहिए, तो ही उसका सिटीजनशिप जो होगा शैल सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको माना जाएगा इंडियन सिटीजन. तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो जो ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हुआ था इसमें आर्टिकल 5 में, सो एवरी पर्सन हु और ईदर हुज पेरेंट ऑफ एनी होम ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरीके से डिफाइन किया गया, ग्रैंड पेरेंट भी अगर होते हैं वो इंडिया में थे. Who has not made his permanent abode in any foreign state after the first day of April 1947, यानी कि 1 अप्रैल से पहले वो किसी फॉरन स्टेट का उसकी सिटीजनशिप ना लिए हो. सो ये बात करते हैं इंडियन सिटीजनशिप, ये सब चीज़ें आती हैं इंडियन सिटीजनशिप के अंदर. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन सिटीजनशिप. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक. थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो.